स्ट्रिक्ट हूँ तो रोना बहुत लेट आता है, लेकिन अच्छा मुझे लगा उसका रीजन कुछ और है। नहीं नहीं मैं क्योंकि 25 साल से ये शादी कर चुके हैं तो अभी छोटी छोटी बातों में रोते नहीं। एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस बॉस, मुझे लगा वो है, फौलाद बन गए, मैं अभी 8 साल में जूनियर हूँ, खत्म हो गए। That will be the last question. Can I please request the news channels to step forward for the Janta Bites? किसने क्या कहा? हमारे लिए नहीं था। We were going to take one last question and then have the news channel step forward for a bite. Or are we done with the questions? Because we're going to have all of them join you at the round tables and y'all can do your interviews peacefully with them. They're not going away immediately. Yeah? So I request the news channels to come forward, do one group bite, and then they step down for round table interactions. Yep. Hello, Vivek. So, आप पहले तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आप क्या ये कान के झुमके बहुत क्यूट लग रहे हैं, हाँ। इसी क्योंकि आप हमेशा प्यारी लगती हैं। सामने देख के बोलूँगी आपको देख के बोलूँ यार, ये इंडियाज बेस्ट ड्रामेबाज मेरे लिए एक सिर्फ एक शो नहीं है, एक रियलिटी शो नहीं है, मेरे लिए जेन्यूनली इट्स पार्ट ऑफ माय लाइफ, मेरे दिल से जुड़ा एक अनुभव है, एक एक्सपीरियंस है। यहाँ से इस मंच से गुजरा हुआ हर बच्चा कहीं ना कहीं हमारे दिल से तार जोड़ लेता है और हर साल हमें ऐसा लगता है कि बस इस साल बड़ा मुश्किल होगा, कैसे आएंगे इतने टैलेंटेड बच्चे, लास्ट ईयर के बच्चे इतने अमेजिंग थे और फिर वो जो चमकते सितारे हमें ऑडिशंस में दिखते हैं, हमें लगता है वाह फिर से एक बार, क्योंकि हम अपनी हर एक ऑडिशन में नोट करते रहते हैं ये बच्चा ये बच्चा ये बच्चा, तो इस बार जो मुझे जेन्यूनली लग रहा है कि जिस स्तर के बच्चे आए हैं और जिस क्यूटनेस के साथ, जिस नौटंकीबाजी के साथ में, जिस ड्रामेबाजी के साथ में आए हैं, बहुत एंटरटेनिंग, बहुत इंटरेस्टिंग, और इन्हें इनकी जर्नी देखना, ये जो पूरा सीजन है इस दौरान इनकी जर्नी देखना, कहाँ से शुरू हो रहे हैं बच्चे और कहाँ तक ये बढ़ेंगे, कितना इम्प्रूव होंगे अपने परफॉर्मेंस में, वो देखने का बहुत मजा आएगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड। हाँ यार, मेरा बेटा ड्रामेबाज है, मुझे लगता है कि अगर आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो, फिर भी थोड़ी ड्रामेबाजी लाइफ में जरूरी है। ड्रामेबाजी सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे चल के शायद आपकी शादी होगी, जब शादी होगी तो बीवी क्वेश्चन पूछेगी तब आप बोलोगे काश थोड़ी बहुत ड्रामेबाजी सीख ली होती मैंने, बट जोक्स अबाउट, आई थिंक ड्रामेबाजी से लाइफ में एक मज़ा बना रहता है, ड्रामेबाजी से लाइफ में एक लाइटनेस, एक हल्कापन बना रहता है, वो ज़रूरी है। मुझे लगता है कि उस तरह की ड्रामेबाजी ज़रूरी है और ख़ासकर जब हम बच्चों में देखने हैं, तो जब मेरा बेटा ड्रामेबाजी करता है घर पर या मेरी बिटिया रानी करती है ड्रामेबाजी घर पर, तो मैं तो उनको इनक्रेज करता हूँ मम्मा है ना सीधा करने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे लगते हैं, आपको झलकी लगती है जिस बच्चे को आपने कॉन्फिडेंस देखा, जो आपने अपनी ग्रोथ में, अपनी जर्नी में किया हो स्टेज पे, मंच पे, आपको लगता है यार ये भी एग्जैक्टली वैसे ही कर रहा है, तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपका दिल जीत लेते हैं और कहीं ना कहीं कोई कनेक्ट बैठ जाता है दिल में कि यार ये तो बिल्कुल मेरी तरह है, और मैं उनको बोलता भी हूँ मैं भी ऐसे किया करता था, फिर मैंने ऐसे अपने आप को तराशा, मैंने ऐसे ग्रो किया, फिर वो मुझे बोलते हैं विवेक भैया फिर आपने ऐसे किया तो फिर ऐसे क्या हुआ, फिर क्या, वो उसमें भी वो इंटरेस्ट हो जाता है उनको, और आप जो देखते हैं वो सिर्फ देखते हैं मंच पे क्या हो रहा है, हम जजेस बन के क्या बातें करें, ऑफ कैमरा जब हम उनसे बात करते हैं, हम उनसे जो पर्सनल एक संपर्क बनाते हैं, वो हम दिखाना भी नहीं चाहते, दर्शाना भी नहीं चाहते, लेकिन उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर पड़ता है बच्चों को। मारो मारो कैसी हैं आओ, हाँ हिस्सा हूँ, लेकिन मैं हिस्सा हूँ इसीलिए सबसे महंगी नहीं है, बट
बहुत बढ़िया बन रही है. इनसाइड एज की सक्सेस के बाद में फैमिली करते हुए बहुत मज़ा भी आ रहा है. अभी शूटिंग चल रही है, इस दौरान बहुत बड़े पैमाने पे शूटिंग की हमने. अभी मैं थोड़ा सा दंग भी रह गया कि इतना स्केल उन्होंने बढ़ाया है, बालाजी ऑल्ट ने, सुनील मनचंदा जो प्रोड्यूसर हैं, जिस तरह के एक्शन सीक्वेंसेस अभी शूट हुए हैं हाल ही में और जो आगे शूट होने जा रहे हैं. आई थिंक पीपल आर गोइंग टू रियली एंजॉय फैमिली एज अ शो. एंड सीजन टू ऑफ इनसाइड एज के लिए हम विदेश जा रहे हैं. सो इट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट वेब सीरीज दैट्स बीइंग शॉट इंटरनेशनली. तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. जी सो मैं एक बहुत बड़ी अवार्ड सेरेमनी को होस्ट कर रहा हूँ, इंडो यूके अवार्ड्स, जो इंडिया के करीब 100 बेस्ट बिजनेसमैन, टैलेंट, परफॉर्मर्स, मीडिया पीपल इनको अवार्ड करता है और साथ में ही यूके के जो बेस्ट हैं उनको अवार्ड करता है. लास्ट ईयर भी बहुत बड़ा सक्सेस रहा ये अवार्ड सेरेमनी, बहुत बड़े पैमाने पर थी और इस साल भी मैं उसे होस्ट कर रहा हूँ. एंड 100% FOC फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये दोनों देशों के बीच में एक सेतु बन रहा है और इंटरैक्टिव एक रिलेशनशिप बन रहा है, जिस माध्यम से हम बहुत सारी चीज़ें एक उभरते भारत में बहुत सारी लोगों की इंटरेस्ट को हम जागृत कर सकते हैं, उन्हें दिखा सकते हैं कि यहाँ पे भी भारत में उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए. किसने कहा? सॉरी, अच्छा दिव्या दत्ता जी ने. यार ये क्या है कि इतनी सारी शोज बन रही है तो मैं ये नहीं जानता कि कितने शोज हो रहे हैं, किसमें कितने बच्चे काम कर रहे हैं, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ जिस भी शो में मैं जुड़ा हूँ, चाहे इंडियाज़ बेस्ट ड्रामेबाज हो, फैमिली की शूटिंग हो, जहाँ बच्चे हमारे साथ शूट कर रहे हैं, हम उनके लिए हर चीज़ का इंतज़ाम करते हैं, खाने पीने के इंतज़ाम से लेके उनके रेस्ट का. और मैं पर्सनल इंटरेस्ट लेता हूँ इसमें, अगर मुझे लग रहा है कि सीन लंबा हो रहा है तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपने लिए कभी नहीं करता, लेकिन बच्चों के लिए मैं कह देता हूँ पैकअप कीजिए, बच्चों को सोने दीजिए, रेस्ट करने दीजिए, सुबह आएंगे फिर से करेंगे. बच्चों से मिलता हूँ तो उनसे पहले पूछता हूँ कि बेटा होमवर्क हुआ? टीचर्स की उनको कभी मैंने फ़ोन किया है कि सब ठीक चल रहा है, ही इज़ हियर विद अस और शी इज़ हियर विद अस, थोड़ा सा आप देख लेना होमवर्क, इसके यहाँ भेज देना, ईमेल कर देना. तो बच्चों के साथ में एक पारिवारिक रिश्ता बनाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कमर्शियल रिश्ता हो जाता है. और आई थिंक दैट्स अ वेरी इंडिविजुअल चॉइस एंड डिसीजन. जी में तो मेरा पर्सनल अनुभव रहा है बहुत बढ़िया, आई हैव नेवर हैड एनी प्रॉब्लम्स और एनी कंप्लेंट्स, क्योंकि मैं इसमें पर्सनली बहुत एक वॉचडॉग बन के रहता हूँ. और अभी जो मैंने फैमिली में फिलहाल शूट किया तो वहाँ पर भी दो बच्चे थे बहुत प्यारे, रिकी और भैरवी, और उनके साथ में भी इट्स बिन एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, इट्स लाइक फैमिली. अभी मुझे ऐसा लगता है मैं उनको एक्चुअली मिस कर रहा हूँ अभी. मैंने एक्चुअली अच्छा ये लास्ट ना मैंने एक्चुअली अपने ट्विटर के माध्यम से भैयू जी के बारे में एक नोट भी लिखी थी, शायद आप उसे रेफरेंस कर सकती हैं. बट उनका जब देहांत हुआ तो पहले तो मैं थोड़ा सा शॉक रहा, मुझे पहले पता ही नहीं था, क्योंकि मैं अपने शूट में व्यस्त था, फ़ोन बंद था तो मुझे पता ही नहीं था. अगले दिन मुझे पता चला, एक दिन तो मुझे पता ही नहीं था क्योंकि मैंने न्यूज़ ना पढ़ी ना देखी. जब मुझे पता चला तो आई वो शॉक कि एक आदमी जिसके चेहरे पे इतनी, जिसकी मुस्कुराहट से इतनी एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती थी, जो ऊर्जा भर देता था अपने फॉलोअर्स में, और इतने अच्छे सामाजिक कार्य करने, मैं उनको कितने सालों से जानता हूँ, 10-12 साल से जानता हूँ मैं उनको, और 10-12 साल से हम फार्मर्स के लिए, भ्रूण हत्या के खिलाफ, जो पीड़ित फार्मर थे हमारे, पीड़ित किसान भाई ड्राउट के समय, पहले भी 10 साल पहले उनके लिए भी हमने इतने सारे प्रोग्राम किए भैयू जी के साथ में, मैं भी एक छोटा अंश रहा उसमें. तो मुझे बहुत शौक लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक आदमी जो इतनी ऊर्जा भर दे, लोगों की ताकत बने और लोगों को प्रेरणा दे आगे चल के पूरे, और भारत के लिए उन्होंने अपनी पूरे जीवन को, अपने पर्सनल एसेट्स को, पैसों को, सब कुछ कुर्बान कर दिया, ऐसा आदमी ऐसा क्यों करेगा. मैं अभी भी मुझे बहुत दुख भी हुआ और मैं बहुत दंग भी हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ. सर, नो, सॉरी, थैंक यू.